हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो एशिया कप में मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। इस मैच में मैं आपको जो है फैन फाइट की जो टीम है वो भी देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि फैन फाइट की टीम भी दो। तो फ्रेंड, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ड्रीम इलेवन, माई ड्रीम इलेवन, जो फैन फाइट, सारी जितनी जो है फैंटेसी साइट है सबकी आपको जो है यहाँ पे टीम अवेलेबल मिलेगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज़ और प्लेइंग एलेवन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, जफीरा खान, बिस्मिल्ला मारूफ, साना मीर, नहीदा खान, ये जो चारों पाँचों है, जो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है। अगर ये लोग रन करेंगे, विकेट लेंगे, तो ही जो है पाकिस्तान टीम जीत सकते हैं, अदरवाइज इंडिया के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है जीतने के। वहीं पे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे स्मृति मंदाना बहुत ही बुरे फॉर्म में गुजर रही है। ऐसे ही होता है जब वो रन करती है, कंटिन्यू करती है, और रन जब नहीं करती और बिल्कुल भी रन नहीं करती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के मेन प्लेयर होंगे मिताली राज, हरप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट प्लेयर होंगे इंडिया के लिए। तो बात कर लेते हैं प्लेइंग एलेवन के। प्लेइंग एलेवन पे यहाँ पे आप देख सकते हो विकेट कीपर पे तानिया भाटिया होंगी, वहीं पे बैट्समैन पे हरप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, मिताली राज, विद्या कृष्णा मूर्ति, ठीक है। वहीं पे जो दोनों में से एक खेल सकती है, मोना मिश्रम खेल सकती है या फिर जमिया खेल सकती है। जमिया भी जो है कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है और बहुत ही अच्छी जो इनके पास टेक्निक है। वहीं पर ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पर पूजा वेंगटेश्वर, अनुजा पटेल और दीप्ति शर्मा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनुजा पटेल और दीप्ति शर्मा आपके लिए ऑलराउंडर पे ज़्यादा अच्छी ऑप्शन होंगी, क्योंकि ये जो है बैटिंग करते हैं। वहीं पे पूजा वेंगटेश्वर जो है वो एज अ बॉलर ज़्यादा खेलती हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर्स पे यहाँ पे शिखा पांडे, पूनम यादव और झूलन गोस्वामी और एकता शर्मा। एकता विश की जो है थोड़ी बहुत डाउट है, हालांकि प्रीवियस मैच इन्होंने बहुत ही अच्छी खेली थी, तो शायद इस मैच पर भी खेल सकती है। वहीं पर बात कर लेते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग एलेवन पे, तो यहाँ पे सिदरा नवाज जो कि बहुत ही नीचे बैटिंग करने आती है वो विकेट कीपिंग करेंगी। वहीं पे नहीदा खान, मुजीबा अली, जफीरा खान एंड जफीरा रूफ जो है बैट्समैन होंगी। वहीं पे बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की, तो यहाँ पे बिस्मिल्ला मारूफ, नहीदा खान और साना मीर जो है ऑलराउंडर करेंगे। हालांकि साना मीर को जो ड्रीम इलेवन पे जो है बॉलर्स की कैटेगरी में दिया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे बैट्समैन भी है। वहीं पर बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो यहाँ पर आमीन, डेन या नजरत सिंधु, ये तीनों ही जो विकेट टेकिंग बॉलर है और जो ज़्यादातर जो है वुमेंस क्रिकेट में रन नहीं बनते। तो पहले हम लोग जो है ड्रीम इलेवन में टीम देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको जो है फैन फाइट पे भी जो है टीम दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सिदरा नवाज को विकेट कीपर पर लिया है। आप चाहें तो तानिया भाटिया को भी ले सकते हो, हालांकि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाले, या फिलहाल हो सकता है दोनों की बैटिंग ही नहीं आएगी, अगर बैटिंग आएगी तो एक या दो ओवर ही बची होगी। वहीं पे बात कर लेते हैं इंडिया की, तो मैंने यहाँ पे मिताली राज, हरप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, पूजा यादव और यहाँ पे एकता विश को लिया है। और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे मैंने नहीदा खान, बिस्मिल्ला मारूफ, निदादार, साना मीर और नजरत सिंधु को लिया है। तो आप चाहें तो इसके अलावा किसी किसी अपनी टीम में ले सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। तो बैट्समैन पे आपके पास जो है बढ़िया बढ़िया ऑप्शन रहेंगी, जो है स्मृति मंदाना को आप या तो कैप्टन ले सकती हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क है क्योंकि अब जो है वो इतने अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो आप देख सकते हो टोटली इन्होंने जो है 33 पॉइंट जो कमाया है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं जफीरा खान, मैंने हालांकि इसे क्रेडिट पॉइंट के क्रेडिट की वजह से नहीं लिया है, अदरवाइज आप ज़रूर रखिए। वहीं पर जामिया भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकती है, आप सिर्फ ग्रैंड लीग में इसे ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे मोना मिश्रम को आप ले सकते हैं क्योंकि ये जो है खेल रही है। वहीं पे बात कर रहे थे ऑलराउंडर के, तो यहाँ पर बिस्मिल्ला मारूफ को जैसे मैंने लिया, आप चाहें तो पूजा भेंकटेश्वर को ले सकते हैं या फिर आप अनुजा पटेल को ले सकती हैं। वहीं पे और बॉलर्स की बात करें तो जो झूलन गोस्वामी, अनम आमीन और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो ये जो है डाइना, इन्होंने अभी तक हालांकि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विकेट टेकिंग बॉलर है। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं अब कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन के बारे में। तो कैप्टन मैंने यहाँ पे जो है मिताली राज को लिया है एंड वॉइस कैप्टन जो है निदा दार को लिया है, क्योंकि जिन्होंने जो है पिछले दो मैच जो है अकेले से ही पाकिस्तान को जिताया है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फैन फाइट के बारे में।
तो फ्रेंड अब मैं आपको एक फैन फाइट की भी टीम देने वाला हूँ। तो फ्रेंड आपको अगर किसी और की लीग की अगर टीम चाहिए तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जो है उनकी जो है टीम दे दूंगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फैन फाइट पे भी जो है बहुत ही अच्छा विन किया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो। मैंने एक फैन फाइट पे जो है वीडियो बनाया है, आप वहाँ से जो है लिंक से ज्वाइन हो सकते हो। तो टीम आप यहाँ से देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है, मैंने हरप्रीत कौर एन साना मिड को एज अ बॉलर लिया है। विकेट पे मैंने यहाँ पे तानिया भाटिया को लिया है, और जो है ऑलराउंडर पे मैंने यहाँ पे दीप्ति शर्मा को लिया है, और बॉलर्स पे यहाँ पे नसरा सिंधु, और कैप्टन मैंने यहाँ पे मिताली राज को लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 60 प्लेयर आपके लिए अवेलेबल होंगी और चूज़ करने के लिए, तो आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बना के थोड़ी अलग कॉम्बिनेशन से खेल सकते हो। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने दोनों पे ही जो है मिताली राज को कैप्टन लिया है। तो फ्रेंड कल के मैच में मैं जो है मिताली राज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकती हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जो है स्मृति मंदाना को ले सकते हैं और उसके ऊपर भी जो है डिक्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।